पे एक फ्यूजन कॉन्सर्ट है जिसके लिए हम दोनों जज करने के लिए आए हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड है जिसमें विनर्स डिक्लेयर किए जाएंगे और हम यहाँ पे विनर्स डिक्लेयर करते हैं तो इट्स बिट ऑफ सस्पेंस और थ्रिल्स भी हैं तो और थोड़ा बहुत मिस्टेक्स दिखता है नहीं दिखता है ही कम्स एंड गोज इन द सीन ऑल्सो सो इट्स गोना बी फन। नीति इमरान हाशमी आए हैं कैसी एरिया में क्या कहना चाहिए क्या रिएक्शन था फर्स्ट रिएक्शन बताइए। I was very excited because you're one of my favorite actors and thank you bahut maza aane wala hai we are waiting to perform and everything so abhi dekhte kya hone wala aage imran kuch part ko kuch tips denge malik ko well main dancing mein singing mein bahut bura hu so I think mujhe tips inse leni padengi but I think they are doing a fantastic job aur show bhi acha hai aur acha chal raha hai audience base iska hai isliye hum aaye hain show pe aur I want to wish them all the very best. बस यहाँ बैठ के देखूंगा परफॉर्मेंस हम दोनों देखेंगे we'll enjoy it. रोमांस के टिप्स मेरी फिल्म में देख लीजिए सब टिप्स मिल जाएंगी। क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स फिल्में तो देखूंगा मैं तो बहुत रोमांटिक जोन पे आप चले गए हैं और जिसके लिए हम बहुत कुछ सीखते हैं आपसे सो होपफुली दैट यू एन्जॉय द शो एंड यू हैव अ गुड टाइम ओवर हियर एंड वी एंटरटेन यू ऑल द टाइम सो या थैंक यू फॉर दैट। Nothing. I'm just excited to be here. We're not going to judge you all too harshly. Don't worry, because I know what it's like to have everyone staring at you and all. So just chill, be yourselves, and yeah, let the romance begin. What's your word? So how do I just say that? Oh, you have to say the slogan. BBC presents. कैसी है यार यार? No feud. Yeah. For MTV. Last अपने fans आपको क्या कहूँगा? Fans को यही कहूँगा कि फिल्म रिलीज हो रही है 17 अप्रैल को और जाके देखें बहुत ही स्पेशल फिल्म है हमारे पूरे क्रू ने तकरीबन 2 साल लगाए हैं इस फिल्म को बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग फिल्म है मुझे याद है जब मैंने मिस्ट्री इंडिया देखी थी जो एक सेंसेशन ऑडियंस को मिला था उस फिल्म से तो होपफुली ऑडियंस को उसी तरह का एक सेंसेशन मिलेगा। मैंने अभी बोर्ड्स ख़त्म होने वाले हैं तो बच्चे भी जाके देख सकते हैं फिल्म सो आई एम जस्ट वेटिंग एक्साइटेड हूँ एंशियस हूँ रिलीज डे के लिए। बात अगर मूवी की करें तो मूवी की क्या संदेश क्या देना चाहती है लोगों के बीच में क्या से करेंगे? वेल इसमें संदेश वाली कोई बात नहीं है इसमें बस आपको ये फिल्म आपको एंटरटेन करेगी एक जैसे होता है ना कि एक मैरीगो राउंड या रोलर कोस्टर राइड जो एक्सपीरियंस आपको देता है एक बहुत एक तरह से एक फिजिकल एक्सपीरियंस भी है फिल्म में क्योंकि जब आप 3D में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें थिएटर में ऐसा लगेगा कि थिएटर में आ रही हैं चीज़ें तो उस किस्म का रश है इस फिल्म में और उसी के लिए मैं कहूँगा ऑडियंस को जाके देखें। 2D में भी VFX बहुत ही अच्छे हैं पहली बार हमारे देश में इस किस्म का इनविजिबल मैन और उसके साथ इफ़ेक्ट्स एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन सीन भी है फिल्म में तो आई एम श्योर ऑडियंस को इन सब चीज़ों के लिए और खूबसूरत लड़की भी है फिल्म में तो सब चीज़ों के लिए ऑडियंस का मज़ा आएगा कंटेंट रोमांस भी देखने को मिलेगा आप मूवी में हो तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली। यहाँ पर एक ट्रेंड सा हो गया है टीवी शो पे जो फिल्मों को प्रमोट करेंगे इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है फिल्मों को बेचना ऑडियंस को और हम देख रहे हैं कि टीवी का जो एक प्लेटफॉर्म है एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है सब लोग देखते हैं ऑन अ वीकली बेसिस ऑन अ डेली बेसिस तो उनका एक ऑब्वियसली एक ऑडियंस बेस रहता है हमारी फिल्में आती हैं हर 6 महीने या हर एक साल में तो जब हम एक टीवी शो पे जाते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी दे हैव आईबॉल्स लोग शो देखते हैं वहाँ उनके फैंस हैं अगर इंटीग्रेशन अच्छा होगा तो डेफिनेटली एक आपके फिल्म के एक रजिस्टर होती है ऑडियंस के साथ और पसंद आएगी थिएटर्स में आएगी। राइट थैंक यू